हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने स्पेशल शिवाजी और शिवाजी के प्रशासन को पढ़ा था। आज के इस नए वीडियो में दोस्तों हम एक ओर शिवाजी के उत्तराधिकारी और वहीं दूसरी ओर जब मराठाओं में पेशवा आने शुरू होते हैं उनको हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों काफी हद तक आपको यहाँ पर सफलता मिलने वाली है समझने में, काफी पेन को लेकर बैठिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, शिवाजी के उत्तराधिकारी को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों कि शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी को हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु कब होती है दोस्तों, शिवाजी इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में इनके दो पुत्र सत्ता में आते हैं, कौन कौन दोस्तों, तो एक होते हैं राजा राम और दूसरे होते हैं संभाजी। संभाजी इन दोनों पुत्रों में दोस्तों संभाजी बड़े होते हैं। संभाजी की गैर मौजूदगी में राजा राम सत्ता पर बैठ जाते हैं। ये बात पता लगती है संभाजी को, तब ये संभाजी आते हैं और सत्ता से राजा राम को हटाकर अपनी सत्ता अपने आप संभालते हैं। और संभाजी क्या करते हैं, राजा राम को गिरफ्त में कर लेते हैं। अब दोस्तों कार्यकाल स्टार्ट होता है संभाजी का, किनका फ्रेंड्स, तो संभाजी का कार्यकाल शुरू होता है। संभाजी का कार्यकाल 1680 से 1789 तक रहता है। दोस्तों संभाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाकर शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया दोस्तों, तो रायगढ़ को बनाया। इनका जीवन काफी संघर्षों से बीता, क्यों, क्योंकि इनके सौतेले भाई राजा राम और इनके परिवार के लोग इनके विरोधी थे। ऐसे में इन्होंने अपने विश्वासी व्यक्ति कवि कलश, कौन दोस्तों, इनका एक विश्वासी व्यक्ति था कवि कलश, इसको ये क्या कर देते हैं, एक आधिकारिक पद देते हैं और इसी की देखरेख में अपना शासन चलाना शुरू करते हैं। इनके समय में दोस्तों एक घटना होती है, औरंगजेब का पुत्र अकबर, कौन दोस्तों, एक केंद्र में किसका शासन होता है, औरंगजेब का शासन होता है, उसका पुत्र अकबर इनके पास में भाग कर आता है। किनके पास में दोस्तों, तो संभाजी के पास में ये भाग कर आता है। संभाजी अकबर को क्या कर देते हैं, शरण देते हैं। इसी के विरोध में औरंगजेब संभाजी पर आक्रमण करता है और उसी आक्रमण में इनके जो विश्वासी व्यक्ति कवि कलश और संभाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाद में क्या होता है दोस्तों, मृत्यु हो जाने के पश्चात अगला शासक कौन होता है, राजा राम बन जाते हैं। मतलब राजा राम क्या, इसके बाद में राजा राम सत्ता को संभालते हैं। तो दोबारा फिर से औरंगजेब कुछ समय बाद आक्रमण करता है, किस पर, रायगढ़ पर। तो इनकी पत्नी संभाजी की पत्नी और इनके पुत्र साहू को वो बंदी बनाकर अपने साथ ले चला जाता है। तो संभाजी की पत्नी और साहू को क्या कर लेता है, औरंगजेब बंदी बनाकर ले चला जाता है। अब अगले शासक के रूप में दोस्तों आते हैं राजा राम, कौन आते हैं दोस्तों, राजा राम। इनका कार्यकाल 1689 से 1700 रहता है। चलिए दोस्तों अब राजा राम को समझते हैं। अब राजा राम मुगलों के खौफ के कारण अपनी राजधानी सतारा बनाता है। किसको बनाया दोस्तों, तो अपनी राजधानी सतारा को बनाता है। जबकि रायगढ़ को किसने बनाया, तो संभाजी ने, और सतारा किसने बनाया दोस्तों, तो राजा राम ने। मुगलों के खौफ के कारण ये अपनी राजधानी सतारा को बनाते हैं। इनकी पत्नी का नाम ताराबाई होता है। राजा राम की पत्नी का नाम क्या होता है दोस्तों, तो ताराबाई होता है। और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था, क्या था दोस्तों, शिवाजी द्वितीय। राजा राम की मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन करती हैं। क्या बनती है दोस्तों, संरक्षिका बनकर शासन करती हैं। इधर क्या होता है दोस्तों, जो औरंगजेब साहू को बंदी बनाकर ले जाता है, तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को हो जाती है। तो औरंगजेब के पुत्र के द्वारा साहू को आजाद कर दिया जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है दोस्तों, 1707 को होती है, और औरंगजेब के पुत्र के द्वारा साहू को आजाद कर दिया जाता है। और साहू आता है और ताराबाई से क्या, खेड़ा नामक जगह पर युद्ध करता है। तो जो संरक्षिका बनी हुई है किसकी, शिवाजी द्वितीय की, अब साहू आ रहा है और अपने क्या शासन को हत्याने के लिए। तो ताराबाई से वो क्या, खेड़ा नामक एक जगह होती है दोस्तों, खेड़ा नामक एक जगह पर ये इनसे ताराबाई से युद्ध करता है। और युद्ध में ये ताराबाई को हरा देता है साहू, और क्या, सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, कौन, तो साहू।
इधर क्या होता है, शिवाजी द्वितीय का क्या पलायन हो जाता है, अब संपूर्ण सत्ता साहू के हाथ में आ जाती है। अब कार्यकाल शुरू होता है दोस्तों साहूजी महाराज का। साहूजी महाराज का कार्यकाल 1707 से 1749 तक चलता है। इनके समय में दोस्तों एक पद आगे आता है, पेशवा का पद। किसका पद दोस्तों? पेशवा का पद। जबकि उससे पहले शिवाजी के समय पे क्या होता है दोस्तों? पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। किसके समय पे? शिवाजी के समय। लेकिन इनके समय में क्या होता है, उस पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? वंशानुगत कर दिया जाता है। और ऐसे में पेशवाओं की शक्ति क्या बढ़ने लगती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब पेशवा का पद आगे आ गया इनके समय में, और शक्तियां भी क्या पेशवा को मिलने लगी। किसके समय में दोस्तों? साहूजी महाराज के समय में। अब मराठा साम्राज्य दो क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अब परिवार क्या विभाजित होने लगा, क्योंकि उधर क्या शिवाजी द्वितीय पलायन कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो रहे होंगे। तो दो क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य विभाजित हो जाता है। सतारा वाला क्षेत्र साहूजी महाराज संभालते हैं, जबकि कोल्हापुर का क्षेत्र शिवाजी द्वितीय उसको संभालते हैं। तो मराठा साम्राज्य कितने भागों में डिवाइड हुआ दोस्तों? टू पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या? मराठा साम्राज्य। सतारा वाला क्षेत्र किसने संभाला? तो साहू के नेतृत्व में था, साहू के नेतृत्व में। जबकि कोल्हापुर का क्षेत्र शिवाजी द्वितीय संभालते हैं उसको, तो शिवाजी द्वितीय के नेतृत्व में था। ऐसे में दोस्तों 1750 में एक संधि होती है, संगौला की संधि। कौन सी संधि दोस्तों? 1750 में एक संगौला की संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? तो संगौला की संधि होती है। इस दौरान अब यह मान लिया जाता है कि अब वास्तविक शासक कौन होंगे? पेशवा होंगे। कौन सी संधि के दौरान मान लिया जाता है दोस्तों? तो संगौलिक संधि से यह मान लिया जाता है कि वास्तविक शासन कौन होंगे दोस्तों? शासक कौन होंगे? तो पेशवा होंगे। अब दौर शुरू होता है पेशवाओं का। चलिए दोस्तों पेशवाओं को अब समझते हैं। मराठाओं के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ थे। इनका कार्यकाल 1713 से 1720 तक चलता है। इनको पेशवा का पद 1713 में मिलता है, और इनकी मृत्यु क्या 1720 को हो जाती है। दोस्तों इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। तो इनसे जुड़े हुए दो तीन पॉइंट हमको याद रखने हैं दोस्तों। तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। इनको पेशवा का पद 1713 ईस्वी में मिला, और इनकी मृत्यु जो है दोस्तों वो 1720 ईस्वी को हो जाती है। इनके समय में दोस्तों एक संधि होती है, दिल्ली की संधि। 1719 में वो दिल्ली की संधि होती है, और उस संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों 1719 में एक संधि होती है, दिल्ली की संधि। दिल्ली की संधि, इस संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों मुगल शासक होते हैं रफीउद दर्जा, उसके द्वारा साहूजी महाराज को शासक बनाया जाता है। तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है दोस्तों? दिल्ली की संधि को। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में दो तीन पॉइंट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक, मृत्यु कब 1720, जबकि पद कब मिला 1713 ईस्वी को, और दिल्ली की संधि को क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब चूंकि पेशवा का पद जो था वो वंशानुगत तो पहले ही हो चुका था, किसके समय में? साहूजी महाराज के समय में। तब इनके पुत्र अगले पेशवा के रूप में सामने आते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम अगले पेशवा के रूप में सामने आते हैं। तो अगला पेशवा कौन बना दोस्तों? बाजीराव प्रथम। इनका कार्यकाल दोस्तों 1720 से 1740 तक चलता है। अब दौर शुरू होता है किसका? बाजीराव प्रथम का। दोस्तों बाजीराव प्रथम जो होते हैं वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र होते हैं। तो साहू जी महाराज इनसे कहते हैं कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। दोस्तों आपने एक मूवी देखी हुई बाजीराव मस्तानी, वो इन्हीं पर ही आधारित है। किन पर दोस्तों? बाजीराव प्रथम पर। इन्होंने क्या किया दोस्तों? जो हैदराबाद के निजाम थे, गुजरात
पुर्तगालियों से संघर्ष करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। किन के साथ इन्होंने युद्ध किया दोस्तों? तो निजाम, गुजरात और पुर्तगाल आदि से इन्होंने क्या संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। किसने दोस्तों? तो बाजीराव प्रथम ने। अब इसी क्रम में दोस्तों क्या होता है, बुंदेलखंड के एक शासक होते हैं छत्रसाल। कौन दोस्तों? छत्रसाल इनको आमंत्रित करते हैं और कहते हैं आप हमारे यहाँ आए क्योंकि हम पर हमला होने वाला है और हमारी सहायता करें यहाँ कर। कौन? बुंदेलखंड के शासक होते हैं दोस्तों, कहाँ के? बुंदेलखंड के शासक जिनका नाम होता है दोस्तों छत्रसाल। क्या होता है? छत्रसाल इनको आमंत्रित करते हैं, किनको? बाजीराव प्रथम को, कहते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है और आप हमारी सहायता करें यहाँ पर, क्योंकि ये क्या काफी क्षेत्र में विस्तार प्रसार करे होते हैं अपने राज्य का, है ना? कौन दोस्तों? तो बाजीराव। ऐसे में ये भारी शक्ति बन जाते हैं तो इधर उधर के राजा इनको आमंत्रित करते हैं अपनी रक्षा के लिए। तो बुंदेलखंड के शासक होते हैं छत्रसाल, इनको आमंत्रित करते हैं, कहते हैं हम पर आक्रमण होने वाला आप हमारी रक्षा करें यहाँ कर या हमारी सहायता करें यहाँ कर। ये वहां जाते हैं और वहीं पर इनको इनकी मुलाकात होती है मस्तानी से। किससे दोस्तों? तो मस्तानी से इनकी मुलाकात होती है बाजीराव प्रथम को। मस्तानी से क्या हो जाता है दोस्तों? प्रेम हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देखे होंगे बाजीराव मस्तानी मूवी में, है ना? तो ऐसा ही सब कुछ होता है, मस्तानी से इनका प्रेम हो जाता है। किसका? बाजीराव प्रथम का। और 1740 ईस्वी में ये मस्तानी एक मुस्लिम नृत्यका होती है या नृत्यांगना होती है। तो 1740 में क्या होता है दोस्तों? बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब अगले पेशवा के रूप में इनका लड़का बालाजी बाजीराव आता है। अब बात आती है दोस्तों कि नाम कैसे याद रखें, है ना? कौन पेशवा पहले आया, उसके बाद में क्या आया, है ना? तो अगले पेशवा के रूप में कौन आता है? बालाजी बाजीराव। तो याद करना बहुत सिंपल, पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। दूसरे कौन आते हैं? बाजीराव आते हैं। अब यहां से बालाजी उठाइए और यहां से बाजीराव, तो तीसरे कौन होंगे दोस्तों? बालाजी बाजीराव होंगे, है ना? तो इनका कार्यकाल दोस्तों, बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 1740 से 1761 तक चलता है। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, विस्तार से हम समझेंगे। इनको नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। इनको किसके नाम से जानते थे दोस्तों? नाना साहब नाम से जाना जाता था। किसको? बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इन्होंने सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने 1751 ईस्वी में अलवर्दी खां को हराकर उसी के क्षेत्र से चौथ कर लेना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली थे। कौन? बालाजी बाजीराव। इन्होंने 1751 में अलवर्दी खां को हरा दिया था। और बंगाल में आप पढ़े होंगे, है ना, बंगाल वाली वीडियो में अलवर्दी खां को हरा देते हैं और अलवर्दी खां के क्षेत्र से ही ये क्या चौथ लेना प्रारंभ कर देते हैं। कौन दोस्तों? तो बालाजी बाजीराव। इधर क्या होता है दोस्तों? मुगल शासक कमजोर हो चुका होता है। केंद्र स्तर पर क्या होता है? मुगल शासक कमजोर हो चुका होता है। मुगल शासक कमजोर हो चुका होता है और इधर क्या पेशवाओं की शक्ति या मराठाओं की शक्ति बढ़ती होती है। अब क्या होता है दोस्तों, ये देश से अब्दाली सेना को खदेड़ देते हैं। अब्दाली सेना और उसके अधिकारियों को खदेड़ देते हैं और अहमद शाह अब्दाली को चुनौती दे डालते हैं। कौन दोस्तों? तो बालाजी बाजीराव। तो ये क्या करते हैं? अब्दाली सेना को खदेड़ देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? खदेड़ देते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली क्या ये चुनौती दे डालते हैं। अब 1761 में क्या होता है दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली अफगान से भारत में आता है बदला लेने के लिए। तो 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली अब्दाली भारत में आता है और हमको यहां पर पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों?
पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसके किसके बीच? तो अब्दाली सेना मतलब अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य ये युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होता है? 1761 ईस्वी में। पानीपत के इस तृतीय युद्ध में मराठाओं की बुरी तरह हार होती है और इस हार के कारण बालाजी बाजीराव जो होते हैं वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं और इस कारण उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कब होती है दोस्तों? ये 1761 वाले युद्ध के दौरान ही क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। हार के कारण इन क्या वो दुख सह नहीं पाते हैं और क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। अब अगले पेज पर माधव राव आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? माधव राव। इनका कार्यकाल दोस्तों 1761 से 1772 तक चलता है। ये भी मराठा शक्ति को बढ़ाते हैं और हैदराबाद के निजाम बा हैदर अली को चौथ कर देने होता है दोस्तों। ये मराठा साम्राज्य के द्वारा मतलब मराठाओं के द्वारा एक कर वसूला जाता था चौथ, मतलब कुल आय का दोस्तों 1/4 भाग ये कर के रूप में लिया करते थे। तो हैदराबाद के निजाम और हैदर अली से ये क्या कर लेते हैं? चौथ कर देने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसको? तो हैदराबाद और हैदर अली को। कौन कर देता दोस्तों? माधवराव कर देते हैं। इसी प्रकार छोटे छोटे पेशवा आते रहे और अंतिम पेशवा जो है दोस्तों वो हमारे बनते हैं बाजीराव द्वितीय। कौन बनते हैं? बाजीराव द्वितीय। इनका कार्यकाल में ये अंतिम पेशवा बनते हैं। अब यहाँ पर पेशवा कमजोर होने लगते हैं और क्या होता है दोस्तों? बाजीराव द्वितीय जो हैं इनको पेशवा बनाने में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और बाजीराव द्वितीय जब ये अंतिम पेशवा बनते हैं इनके बाद एक युद्ध होता है तृतीय मराठा युद्ध। उसके बाद में ये पेशवा पद जो होता है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और इनके क्षेत्रों में भी क्या अंग्रेज अपनी सत्ता जमा लेते हैं। आइए दोस्तों अब एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए और कौन कौन से उसमें संधियां हुई जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में जो शेष मराठा हैं वो कहां कहां पर जाकर बसे उनके बारे में विस्तार से हम पीछे टेबल देख रहे होंगे उसमें हम समझेंगे। तो दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंग्ल मराठा युद्ध। तो दोस्तों तीन मराठा युद्ध हुए। आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए दोस्तों? तीन हुए। प्रथम युद्ध जो था वो 1775 से 82 तक चलता है। द्वितीय युद्ध जो था दोस्तों वो 1803 से 1805 तक चलता है और तृतीय युद्ध 1817 से 1818 तक चलता है। तो कितने युद्ध हुए दोस्तों? तीन युद्ध हुए, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। अब इन युद्धों में कौन कौन सी संधियां हुई जो हमारी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है अंग्रेज व मराठा के बीच कुछ महत्वपूर्ण संधियां। दोस्तों सूरत की संधि पूछ ली जाती है हमारी परीक्षा में कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? 1775 को क्या होती है? सूरत की संधि होती है। किसके किसके मत? अंग्रेज व मराठाओं के मत। अगले संधि है दोस्तों पुरंदर की संधि। कब होती है? इसी के एक साल बाद क्या 1776 को होती है। अगली संधि है दोस्तों सलवाई की संधि। कौन सी संधि दोस्तों? सलवाई की संधि। ये 1782 को होती है। किसके किसके मत? अंग्रेज व मराठाओं के मत। अब इन तीन को हमने पढ़ा, चलिए इसको फिर से रिकॉल करते हैं। सूरत की संधि 1775 है ना, फिर दूसरी पुरंदर की संधि 1776, फिर अगली दोस्तों सलवाई की संधि 1782 को। अब इन तीन को छोड़कर लास्ट की तीन हम समझेंगे। तो बसील की संधि होती है दोस्तों ये 1802 में होती है। दूसरी संधि होती है दोस्तों देवराम की संधि, ये 1803 को होती है। अगली दोस्तों नागपुर की संधि। कौन सी दोस्तों? नागपुर की संधि। ये कब होती है? 1816 ईस्वी को होती है। अब तीन को एक साथ पढ़ेंगे इन तीन को। तो बसीन की संधि कब हुई दोस्तों? 1802 ईस्वी को। फिर अगला है दोस्तों देवगांव की संधि कब हुई? 1803 ईस्वी को, उसी के एक साल बाद है ना। फिर अगली है दोस्तों नागपुर की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी को। अब हम इन छह को एक साथ पढ़ेंगे। सूरत की संधि 1775 को, फिर अगले दोस्तों पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी को है ना, और सलवाई की संधि 1782 को, और बसीन की संधि 1802 को, अगले दोस्तों देवगांव की संधि 1803 को, और अगले दोस्तों नागपुर की संधि 1816 को। फिर लास्ट की जो तीन बची इनको हम पढ़ते हैं। ग्वालियर की संधि कब हुई दोस्तों? 1817 को। पूना की संधि कब हुई?
1817। अब 1817 में दो संधियां हैं दोस्तों, इन दो को एक साथ पढ़ लेना, ग्वालियर की और पूना की संधि कब हुई, 1817 को होती है। लास्ट है हमारी मंदसौर की संधि, ये कब, 1818 को होती है। तो दोस्तों इन तीन को तो बड़ा सरल याद करना है ना, ग्वालियर और पूना ये कब हुई, 1817 को, जबकि मंदसौर की संधि कब हुई, 1818 को। अब इन नौ को आप एक साथ फिर से पढ़िए तो ये याद करने के तरीके होते हैं। सूरत की संधि कब हुई, 1875 को। पुरंदर की संधि होती है 1776 को। सरवाई की संधि 1782 को। बसीन की संधि दोस्तों 1802 को। और देवगांव की संधि 1803 को। और ये नागपुर की संधि जो होती है 1816 को होती है। अगली संधि दोस्तों 1817 में होती है, ग्वालियर और पूना की दो होती है 1817 में, है ना। अगली है मंदसौर की संधि 1818 को होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संधियां अंग्रेज और मराठों के बीच में जो इन युद्धों में हुई थी। अब क्या होता है दोस्तों, 1818 में लगभग तृतीय मराठा युद्ध में क्या होता है, मराठाओं का पतन हो जाता है और वास्तव अब यहाँ पर इनके क्षेत्रों में क्या, अंग्रेज अपनी सत्ता जमा लेते हैं या अपना अधिकार कर लेते हैं। फिर जो शेष मराठा रह गए वो कहाँ कहाँ पर जाके बसते हैं, किस किस नाम से जाने गए या उन क्षेत्रों में वो कहाँ पे शासन करते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो मराठाओं के पतन के बाद में शेष मराठा इधर उधर भाग गए, है ना। तो जो नागपुर में रहने लगे वो भोसले वंश के थे, कौन से वंश के थे दोस्तों, भोसले वंश के थे। बड़ौदा गुजरात में जो रहने लगे वो गायकवाड़ थे। और इंदौर में जो रहने लगे दोस्तों वो होलकर थे। और ग्वालियर में जो रहने लगे वो सिंधिया थे। तो सिंधिया कहाँ रह रहे थे, वो ग्वालियर में रह रहे थे। जबकि भोसले वंश के कहाँ रहने लगे, नागपुर में रहने लगे। और होलकर कहाँ रहने लगे दोस्तों, वो इंदौर में। और गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात में रहने लगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।